हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज मैं खेलने वाला हूँ GTA 3। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये गेम मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया है, जैसे तैसे मैनेज करके। ये गेम बहुत अच्छा है और मैंने डिसीजन लिया है कि हम GTA 3, GTA Vice City और GTA San Andreas, ये तीनों गेम खेलने वाले हैं। और क्योंकि GTA 3 सबसे पुरानी गेम है इन तीनों में से, इसलिए मैं इस गेम से शुरुआत कर रहा हूँ। और एक और प्रॉब्लम है, इस गेम की ऑडियो नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़। इसका गेम की कोई इन गेम ऑडियो है नहीं, तो मैंने अपने वॉइस ओवर के बलबूते इस गेम को खेला है। फ़िलहाल मेरे को लग रहा है कि ये जो स्टोरी है, हमें इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि GTA गेम्स की यही खासियत होती है कि इनकी स्टोरीज़ जो होती है, आय हाय कत्ता है जहर, इनकी जो स्टोरीज़ होती है ना, वही ऑडियंस का आधा दिल तो वही जीत लेती है। और उसके बाद जो इनका गेम प्ले है बेटे दी जान, वो भी कत्ता है जहर गेम प्ले होता है। मतलब इनके FPS ड्रॉप नहीं होते। मतलब आप इमेजिन करो, ये गेम, अगर ये गेम हम बुरे से बुरे मोबाइल में खेल सकते हैं, तो जो प्ले स्टोर पर हमें इतने घटिया घटिया गेम मिलते हैं, है ना। एंड्रॉयड गेमिंग के ऊपर थोड़ा और काम होना चाहिए। अच्छे गेम के नाम पे सिर्फ एक ही गेम है जो कंट्रोल करने में भी अच्छा है, जैसे कि फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया। उन सब के बारे में बात ना ही करें, फ़िलहाल हम कंटिन्यू करते हैं हमारे इस GTA। अरे बाप रे, किसी ने तो बॉम्ब फेंका है। लगता है हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो, वो गिरफ्तार हो चुका है और कोई तो शायद उन्हें बचाने आया है, मे बी। बाय द वे, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था गोली मार के, जैसे कि आपने देखा। और एक काला आदमी भी उनके साथ, यू नो, ब्लैक मैन। अच्छा, तो इस बुड्ढे को बचाने आए थे, कोई बात नहीं। हमारे कैरेक्टर्स, अच्छा तो वो खुद को ही बचा लेंगे लग रहा है। जैसे कि ये हमारा कैरेक्टर, इसका नाम मुझे कंफर्म नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है शायद टोनी है, मे बी, आगे हमें देखने मिलेगा। ओ, तो बॉम्ब जो वहाँ पर गिरा था वो फूट चुका है, ताकि शायद उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाए। बाप रे, पूरा ब्रिज टूट गया यार। देखिए गाड़ी में आग लगी है, वो भी कितने अच्छे से दिखा रहा है, सिनेमैटिक शॉट्स। अच्छा, तो स्टोरी अपलोड होगी। अभी हम दोनों बच गए हैं। गिव मी लिबर्टी। ओके, लगता है ये ओके कंट्रोल्स यार हमेशा की तरह काफ़ी अच्छे हैं GTA गेम्स के। और देखो रास्ते में जो न्यूज़पेपर उड़ते हुए दिख रहे हैं, हाय गाड़ी की कंट्रोल भी कितना अच्छा है। और ये मैप, आय हाय मैप बेस्ट पार्ट होता है GTA गेम्स का। मतलब ऐसा मैप होता है ना उनका, मतलब एकदम इंटरैक्टिव होता है, कि भाई जो हम चाहे उस मैप में हमारा कैरेक्टर जहाँ जा रहा है प्रॉपरली दिखता है। और काफ़ी बड़ा मैप होता है। बस इस गेम की सबसे बड़ी खासियत जो है ना, क्या बोलूँ, रॉकस्टार गेम्स ऐसे ही नहीं छाया है, कुछ रीज़न है उसके फेमस होने के। और मेरी ड्राइविंग को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा पर आई विल इम्प्रूव। ओके, वैसे भी मुझे रेसिंग गेम्स काफ़ी अच्छी लगती है। पीछे रह गया लगता है रास्ता, तो यहाँ हमें जाना है। क्या करेंगे वैसे हम? ओके, कपड़े चेंज करेंगे, बात तो सही है। बिना कपड़े चेंज करे हम जी कैदियों के कपड़े में तो रह नहीं सकते। लगता है ये बंदा, ओके, हमें यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ ला के रख सकते हैं और वहाँ पर हम अपना गेम सेव कर सकते। नाइस, तो हम हमें हमारा अड्डा मिल गया। ओ, एक और मिशन अनलॉक हुआ है। कहाँ जाना है? अच्छा, बाजू में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये मेरे प्यारे कट्स, गाड़ी की तो जो हाल हुई है वो, आए हाय, जो बाकी था वो भी उड़ गया। किधर जाना है वैसे? ओके, मिल गया रास्ता। लुईगीज, तुम
ये हमारा पहला मिशन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेन मिशन लुईगीज गर्ल्स। ओके, पक्का ये हमारे लिए कोई काम ढूंढने के लिए आया रहेगा। अब हम क्रिमिनल तो बन चुके हैं, तो मुझे लग रहा है हमारा सारा काम अभी क्राइम के अंदर ही होगा। चैन से तो हमें जीने नहीं देगी ये दुनिया, है ना। ये दुनिया बड़ी जालिम जो है। अपना दोस्त जा रहा है बात करने, मेरे को तो इसका नाम भी नहीं पता। अरे भाई ये कौन है, बॉडीगार्ड सा लग रहा है भाई थोड़ा। ओ ये थोड़ा ख़तरनाक लग रहा है। अच्छा तो हमारा जो दोस्त है वो ऊपर चला गया और इसे हमसे कोई फेवर चाहिए। ओ मिस्टी, मिस्टी किसी का नाम है, उसको क्लिनिक से लाना है। भाई धमकी हमकी दे रहा भाई हमको, तो हमें गाड़ी चला के उसे पिकअप करना है शायद से। आई होप ये आसान हो। गेट अ व्हीकल, ओके। यही व्हीकल चलाते फिलहाल खटारा। इतनी खटारा दिखने के बावजूद भी ये गाड़ी की कंट्रोल्स आए है बहुत अच्छी है। ये जो ग्रीन डॉट दिख रहा है हमें मैप पे, हमें वहाँ जाना है। और अब मेरी ड्रिफ्टिंग स्किल्स देखने के लिए तैयार हो जाओ। और ये जो शॉर्टकट्स मैं ले रहा हूँ, आय हाय 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 हाय। ओके ये ज़्यादा दूर नहीं था, ये मेरे को लग रहा कोई हॉस्पिटल है यार। ओ मरते मरते बच गई है लड़की, अभी ठीक होके आई थी। अच्छा तो इसी का नाम है मिस्टी। चलो ठीक है भाई मिस्टी जी, आपको छोड़ देते हम अपने बॉस के घर पे, है ना, आप उन्हीं की जो बंदी हो। अरे यार मिस्टी जी कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? थोड़ा टाइम लगेगा है कि नहीं कंट्रोल सीखने में मुझे, वैसे इसमें सीखना तो क्या ही है। पीछे रह गया क्या? नहीं नहीं यहाँ पर है। ओके भाई यहाँ की गलियाँ काफ़ी कंजस्टेड है। ओ भाई हमारे बंदे को क्या हो रहा है, लैग हो गया कति। ओके तो हमें पैसे मिल चुके हैं, है ना, मिशन पास्ट। 15,000 नहीं यार सॉरी, 15,000 मिलते तो मज़ा आ जाता। ओ भाई पुलिस लड़ेगा। हमें $1,500 मिले, दैट मीन्स $1,500, जो कि बहुत होता है। ये मैं मिशन नंबर 2 अनलॉक कर चुका हूँ, डोंट स्पैंक वगैरह वगैरह। भाई क्या लिखा था ये? तो ये बॉडीगार्ड हमें एक पेपर देता है और हमें शायद कहीं पर जाके किसी को मारना है। अच्छा बैट से हमें किसी को मारना है, तो ये जो बंदा आया था लुईगी नाम का उसे हमें मारना है। और ये नोट वो छोड़ के गया है ताकि हमें उसका एड्रेस वगैरह पता चल सके। हमें उसकी गाड़ी लेके चोरी कर कर उस गाड़ी को नया पेंट लगा के ताकि हम पकड़े ना जाए, उस गाड़ी को लेके एक जगह तक पहुँचाना है। नहीं यार ये खटाड़ा गाड़ी नहीं लूँगा मैं, अब मैं लूँगा एक लो राइडर। अरे ये तो अपना ही दोस्त लग रहा है यार, वैसा दिखता है, ये हमारा दोस्त है नहीं गाइस। ये पीछे ब्लू ब्लू क्या दिख रहा है यहाँ पर कुछ? अच्छा यहाँ पर बैट है, मैं तो भूल ही गया। बैट से अगर उसका मुंह तोड़ना है तो बैट की तो ज़रूरत लगेगी। चलो अच्छा बैट इतने आसानी से मिल गया, बेटे लोहे की बैट लग रही है, उसका मुंह लगता है सच में तोड़ना है। अरे ये क्या सेम गाड़ी, बस कलर अलग है थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा बच बच के ड्राइविंग करके, है ना, लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ। ये रेडियो ऑफ कर लूँ यार, रेडियो से बहुत गुस्सा आता है सच में। वैसे आप लोगों को तो क्या ही पता चलेगा। अरे सामने से ठोकर मार रहा है भाई, क्योंकि इस गेम के तो ऑडियो आप लोग को आ नहीं रही होगी। बाय द वे ऑडियो मुझे आ रही है पर आप लोगों को नहीं आएंगी, आई डोंट नो क्या इश्यूज़ है। अरे 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 भाई सब मुझ में ठोके जा रहे हैं गाड़ी, बड़े बदतमीज़ लोग हैं। माना मैं रॉन्ग वे में चला रहा हूँ पर तुम लोग अपनी गाड़ी लेके क्यों आ रहे हो, एक्सीडेंट तो हो गई फिर, बेवकूफ़ कहिए क्या डर। ओ भाई पुलिस वाला, गाइस पुलिस वालों के सामने मस्ती नहीं, इज्जत से चलाने का क्या बोलते, अरे यार इज्जत से चलाने का। ओ भाई किसी बड़ी जगह पे आ गए यार हम लोग,
हैं। अरे आया है, 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 है। क्या ड्रिफ्ट मार रहा हूँ भाई मैं, थोड़ा एक बार ड्राइविंग पे हाथ बैठ जाए ना, बहुत मज़ा आएगा। वैसे तो इस गेम्स के कंट्रोल अच्छे होते हैं हर GTA के। ओके तो हमें ये बंदा मिल चुका है। ओ भाई इसकी लड़कियाँ भाग गई, इसे हम पे ध्यान आया और ये मैंने इसे मारा है। आय हाय मर गया लग रहा है, या फिर बेहोश हो गया होगा। तो ये है इसकी गाड़ी गाइज, हमें यही गाड़ी लेके जानी है और इसको पेंट कराना है ना, ताकि पुलिस वाले या फिर कोई और हम पे शक ना करे और हमें पकड़े ना, है ना। क्योंकि सेम मॉडल की तो कितनी भी गाड़ियाँ हो सकती है, पर अगर स्पेसिफिक कलर की गाड़ी अगर घूम रही है तो लोगों को शक हो सकता है। ये देखो पुलिस वाला अभी बाजू से गया, अभी अगर कोई कंप्लेंट डाल चुका होता तो हम तो राम राम सत्य है हो जाता। अभी अभी जेल से छूट के आए। मैं एक छोटा सा शॉट, अय है RIP ब्रो, एक बंदा मर गया हमारी वजह से। शॉर्टकट लेके जा रहा था पर एक और मर्डर कर बैठा। ये इधर ही किधर का लोकेशन बता रहा है, किधर जाना है। थोड़ा अगर छोटा होता ये लोगो तो समझ आ जाता कहाँ जाना है। और मैं अपने कंट्रोल्स को मैनेज करते हुए, अच्छा तो यहाँ हमें जाना है। अरे भाई गाड़ी तो डैमेज कर दी, 1000 रुपीज़ $1000 भाई, $1500 तो मैंने कमाए थे भाई। नहीं यार मेरे डॉलर्स को कुछ हुआ नहीं है, पता नहीं क्या है। चलो इस गाड़ी को अब हमें सेफली छोड़ के आई थिंक, अरे बाप रे सेफली तो नहीं छोड़ पाएंगे पर छोड़ देते हैं एटलीस्ट, है ना। हमें क्या, हमें तो बस पानी निकालना है। अरे 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 इतनी भी नहीं ठोकनी, अरे बाप रे दरवाज़ा ही टूट गया इसका तो। इतनी भी नहीं तोड़ फोड़ मचानी है कि भाई वो गाड़ी को पहचाने ही ना। और ये हो गया, जो नहीं होना था वो सब हो गया। और अब मैं उल्टी गाड़ी चला के ज़मीन पर घसते हुए जा रहा हूँ स्टंट दिखाने के चक्कर। ओ भाई ये बैट वाला बंदा कौन है, कोई पक्का कोई गुंडा होगा। तो हम अपने डेस्टिनेशन के बहुत नज़दीक आ गए हैं गाइस। ओके तो इस बिल्डिंग के पीछे पार कर दी, नहीं यार हमें इस जगह के अंदर घुसाड़नी है गाड़ी छुपाने के लिए, शायद गराज है ये कोई। अरे भाई घुस जा, नहीं उल्टा घुसा के देखते। अरे यार ऐसे भी नहीं जा रही, एक काम करता हूँ बाहर से पूरा एक यूटर्न लेके आता हूँ। गाइस एक नूब लोग की तकलीफ है, तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू। स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ होगी, बाद में तो हो जाएगा। अब मैं बाहर कैसे आऊँगा। ओके तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस मिशन पास्ट, और इस बार मुझे मिले $4000। माय गॉड काफ़ी बड़ा हाथ मारा है हमने। अभी टोटल मेरे अकाउंट में है $5514, जो कि बहुत सारे पैसे होते हैं। अपने लिए हम बहुत कुछ रोकड़ा ख़त्म कर सकते हैं। मैं मिलता आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों, बाय।